तो मुझे यार वीडियो का कोई आइडिया आ नहीं रहा था और मैं कोशिश कर रहा था एक ऐसी वीडियो बनाऊं जो कि वायरल होने के चांस हो जिसके। तो मैंने देखा कि मेरी 2019 में PS4 वाली वीडियो पर 1500 से ऊपर व्यू है एंड स्टिल उस पर व्यूज बढ़ रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना उसका एक रीमास्टर्ड वर्जन बनाऊं बाइंग PS4 इन 2021। सो लेट्स बिगिन। PS4 2013 से लेके आज दिन तक गेमिंग का अनडिस्प्यूटेड किंग रहा है एंड इन माय ओपिनियन अगर आपको बेड पर बैठकर आराम से गेम खेलनी है ना जो कि एक क्लिक दबाने पर ऑन हो जाए तो उसके लिए PS4 से बेटर अल्टरनेटिव इस वक्त कोई नहीं है। मेरे पास गेमिंग पीसी भी है जिसमें GTX 1080 Ti है एंड मुझे अगर गेम खेलनी हो ना दिन के एंड में तो मैं आज भी बेड पर लेट के आराम से PS4 कनेक्ट करके खेलना पसंद करता हूँ। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने HDR टीवी में कनेक्ट कर सकता हूँ PS4 को, हो तो PC भी जाएगा बट उसमें बहुत ज्यादा लफड़ा पड़ता है। HDR ऑन करो जाकर गेम रन करो, गेम का लॉन्चर रन करो, बट PS4 में एक बटन दबाओ PS4 अप एंड रनिंग हो जाता है एंड सेकंड बटन में गेम शुरू हो जाती है। एंड ऑल्दो मुझे 60 FPS वाला एक्सपीरियंस नहीं मिलता, ना ही कटिंग एज ग्राफिक्स मिलते हैं, बट स्टिल आई एम हैप्पी प्लेइंग ऑन माई PS4 एट द एंड ऑफ द डे। क्यों? क्योंकि अगर दिन में कोई थका हुआ आया हो ना तो उसका मन नहीं करता कि पहले कंप्यूटर ऑन करूँ, उसके बाद विंडोज स्टार्ट हो, उसके बाद गेम का लॉन्चर ऑन करूँ, उसके बाद 100 से आप पे करूँ तब जाकर गेम चले। इंस्टेंट बंदा सोचता आकर एक बटन, दो बटन, मैक्सिमम 5 बटन दबाकर गेम ऑन हो जाए। एंड साथ ही साथ PS4 में जो कंपैटिबिलिटी है ना, मैं PS4 स्लिम की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो PS4 स्लिम की कंपैटिबिलिटी है ना वो बहुत ज्यादा अच्छी है। PS4 स्लिम आराम से एक बैकपैक में पैक हो सकता है एंड आप उसको कहीं पर भी दोस्त के घर पार्टी वगैरह है तो आप वहां पर आराम से लेकर जा सकते हो। जो PS4 के लिए एक्सक्लूसिव बनती है ना वो 90% ऑफ द टाइम परफेक्ट होती है। कभी कभी आपको लास्ट ऑफ अस 2 जैसी गेम देखने को मिल जाएगी बट मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द टाइम आपको जो गेम मिलेंगी ना वो ऑलमोस्ट मास्टरपीस होती है। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग अबाउट जो कि PS4 की एक्सक्लूसिव गेम्स है ना वो बनाई ही टीवी सेंट्रिक गेमर्स के लिए बनाई जाती है। जो आराम से बेड पर बैठकर गेम खेलना चाहते हैं ना उनके लिए वो गेम का डिजाइन होता है, तो आपको सबटाइटल्स बड़े बड़े देखने को मिलते हैं, इंटरफेस नॉन क्लटरी मिलता है, अनलाइक PC गेम्स जिसमें भर भर के RPG ऑप्शंस होते हैं। तो वैसे के बजाय आपको एज अ कैजुअल गेमर वो गेम बनाते हैं एंड स्टोरी एंड नरेटिव पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। आप अनचार्टेड 4, स्पाइडरमैन, गोस्ट ऑफ सुशीमा, गॉड ऑफ वॉर इन सब का गेम्स का एग्जांपल देखोगे ना तो अगर आप अपने काउच पर या बेड पर बैठकर गेम खेलते हो टीवी में आपको बहुत सीमलेस एक्सपीरियंस मिलने वाला है क्योंकि ज्यादा झंझट वाला काम नहीं है, अनलाइक PC गेम्स जहां पर आपको 100 चीजें देखनी पड़ती हैं। एट द एंड ऑफ द डे अगर आप एक सिंगल प्लेयर गेमर हो ना जिसको स्टोरी बेस्ड नैरेटिव्स पसंद है, आपके लिए आज भी 2021 या 2023 तक एक PS4 स्लिम जो है ना बहुत अच्छा ऑप्शन रहने वाला है। आपको 30 FPS में काफी अच्छे ग्राफिक्स एंड काफी गुड क्वालिटी की गेम्स देखने को मिलेंगी। ऐसी गेम्स की अगर उन पर मूवी बने तो ओस्कर मिल सकता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आपको मल्टीप्लेयर गेम्स खेलना पसंद है ना, स्टोरी बेस्ड में मजा नहीं आता, दोस्तों के साथ खेलना पसंद है, उसके लिए यार PS4 इतना अच्छा नहीं है, ना ही PS4 Pro, क्योंकि इनमें आपको 30 FPS ही देखने को मिलते हैं एंड आपको 30 FPS में मल्टीप्लेयर गेमिंग में मजा नहीं आने वाला है। साथ ही साथ अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपके मोस्ट ऑफ द फ्रेंड PC पर मल्टीप्लेयर गेम्स खेलते होंगे, PS4 पर मल्टीप्लेयर गेमिंग कल्चर इंडिया में इतना ज्यादा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एंड अगर आपको सिर्फ मल्टीप्लेयर गेमिंग के लिए कोई कंसोल लेना है, आपके लिए Xbox One X इस वक्त बेस्ट चॉइस रहेगी। आप सोच रहे हो कि मैं PS5 और सीरीज X की बात क्यों नहीं कर रहा, वेल वो आउट ऑफ स्टॉक हैं तो इसलिए उनको तो एज अ अल्टरनेटिव कंसीडर करना भी इस वक्त बेवकूफों वाली बात होगी क्योंकि वो मिलेंगे ही नहीं एंड मिलेंगे भी तो 2 times से भी ज्यादा की कॉस्ट में मिलेंगे। तो अभी हम उसी कंसोल की बात कर रहे हैं जो अवेलेबल है मार्केट में। तो अगर आपको मल्टीप्लेयर गेमिंग के लिए कोई कंसोल लेना है तो Xbox One X आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। उसमें आपको मल्टीप्लेयर गेम्स में 60 FPS देखने को मिलते हैं एंड 60 FPS में आप काफी ज्यादा अच्छी मल्टीप्लेयर गेमिंग कर सकते हो। एज फार एज हार्डवेयर इज कंसर्न तो मेरे PS4 को लिए हुए मुझे 2 साल से ज्यादा हो चुका है टाइम एंड मेरा PS4 बिल्कुल भी आवाज नहीं करता है। मैंने उसको एक बार भी अभी तक क्लीन भी नहीं किया है। हो सकता है मेरा PS4 आवाज इसलिए नहीं करता है क्योंकि मैं हिमाचल में रहता हूँ एंड यहाँ पर ठंड होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, टेम्परेचर इतना नहीं बढ़ता है। आई डोंट नो अगर ये दिल्ली में या पंजाब में होता मेरा सेम PS4 तो क्या ये आवाज नहीं करता, क्योंकि साइलेंट रहता। एंड हो सकता है अगर आपके पास दिल्ली या पंजाब में है तो ये जेट इंजन की आवाज निकाले, बट ये सब डिपेंड करता है आप कहाँ पर हो, किस टाइप की लोकेशन पे। तो मेरे जो मैंने नोटिस की है चीज़ तो मेरा PS4 बिल्कुल भी आवाज़ नहीं करता एंड 90% ऑफ द टाइम जो है साइलेंट रहता है, कभी कभार ऑन ऑफ करते वक्त थोड़ी सी आवाज़ निकाल दे। PS4 लेने का इस टाइम वाला तो बेस्ट बेनिफिट ये है कि PS4 जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिक चुका है 2013 से अभी तक, तो आपको मार्केट में सबसे पहले उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है एंड आपको सेकंड हैंड ऑप्शंस भी बहुत लुक्रेटिव देखने को मिलेंगे। अगर आप सेकंड हैंड PS4 आज के दिन में ले लेते हो तो ना ही आपको सस्ता पड़ता है बट साथ ही साथ जो PS4 है उसका लाइफ स्पैन बहुत ही ज़्यादा होता है एंड PS4 खराब नहीं होते हैं। तो PS4 अगर आपने किसी सेकंड हैंड भी लिया तो आप निश्चित होकर उसको आराम से चला सकते हो अनलेस उसमें पहले से कुछ प्रॉब्लम थी। तो अगर आपने किसी से सेकंड हैंड लेना है तो आप जरूर उस अल्टरनेटिव को चूज करो क्योंकि आपको सस्ता भी पड़ेगा एंड खराब होने वाला है नहीं। एंड साथ ही साथ PS4 में 2013 से लेके अभी तक की इतनी सारी गेम्स की लाइब्रेरी है तो आप मतलब एंडलेस आवर्स ऑफ कंटेंट एंजॉय कर सकते हो अपने PS4 से। कंटेंट की बात रही तो PS4 जो है
वो अगर आपके पास नॉन एंड्रॉइड टीवी है जिसमें एंड्रॉइड नहीं है और आप नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम उस पर देखना चाहते हो, तो आप अपने PS4 को एज अ स्मार्ट बॉक्स भी यूज कर सकते हो, जो कि आपकी पेन ड्राइव की मूवीज, आपकी इंटरनेट एंड आपके स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, इन सबको स्ट्रीम कर सकता है डायरेक्ट आपके टीवी पर। एंड साथ ही साथ अगर आप में से कोई एक आधा बंदा ब्लूरे मूवीज देखना पसंद करता है अपने टीवी पर, तो उसके लिए इसमें ब्लूरे का ऑप्शन भी है, तो आप ब्लूरे की डिस्क को भी डाल सकते हो। साथ ही साथ PS के जो स्टोर है उसमें आपको हर 4 महीने में कोई ना कोई सेल, मेजर सेल देखने को मिलती रहती है, तो उस पर आपको गेम्स भी काफ़ी सस्ती देखने को मिल जाएंगी। एंड अगर आप ऐसे गेमर हो जो कि CD लेना पसंद करता है वीडियो गेम की, तो आपके लिए और भी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि जो CDs होती हैं वो बहुत सस्ती पड़ेंगी, क्योंकि लॉन्च के टाइम पर ही CD का रेट सस्ता होता है कंपेयर टू डिजिटल वर्जन ऑफ द सेम गेम, तो जब सेल आती है तो CD का और भी गिर जाता है एंड डिजिटल का तो गिरता है। साथ ही साथ आप CDs जो है वो रीसेल भी कर सकते हो, मतलब एक गेम खेली पार की एंड आगे बेच दी एंड उन पैसों से एक और गेम ले ली, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है एंड काफी प्लेयर्स इस ट्रिक का भी यूज करते हैं अपनी गेम्स को कंप्लीट करने के लिए। एट द एंड ऑफ द डे द क्वेश्चन इज कि क्या PS4 को 2021 में लेना सही डील रहेगी। वेल, इसके मैं 2 आंसर्स देना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको सिर्फ सिंगल प्लेयर गेम्स खेलनी है और आप ऐसे गेमर हो जो कभी कभी गेम खेलना पसंद करते हो एंड आपको AAA गेम्स खेलनी है, बड़ी बड़ी गॉड ऑफ वॉर अनचार्टेड ऐसी गेम, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन आपके पास रहेगा PS4। एंड PS4 को आप अपने टीवी पर कनेक्ट करके अगर ऑफिस से या स्कूल से या कहीं से भी थके हारे आते हो, आप आराम से उसको स्टार्ट कर सकते हो एंड गेम को खेलना शुरू कर सकते हो। बट अगर आपको मल्टीप्लेयर गेम्स पसंद है ना और आपको टीवी पे मल्टीप्लेयर गेम्स खेलनी है, तो आप Xbox One X की तरफ जा सकते हो। एंड अगर आपको सिंगल प्लेयर मल्टीप्लेयर दोनों पसंद है और एक परफेक्ट कॉम्बो चाहिए, तो आप उसके लिए गेमिंग PC बिल्ड कर सकते हो। गेमिंग PC बिल्ड करना इस वक्त बहुत मुश्किल है, क्योंकि बिटकॉइन की वजह से ग्राफिक्स कार्ड के जो प्राइसेज हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर चुके हैं, तो इस वक्त आप गेमिंग PC से थोड़ा दूर ही रहो, आप प्रेफर करो कंसोल लेने की। एंड द क्वेश्चन इज PS4 लें, स्लिम लें या फिर प्रो लें। तो एक चीज़ कहूँगा, PS4 को तो आप बिल्कुल भूल जाओ लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल, वो इतना ऑप्टिमाइज्ड हार्डवेयर नहीं है, मोटा है एंड काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता है। सेकंड, जो PS4 है वो 2017 के आसपास डिस्कंटिन्यू हो गया था बनना, PS4 स्लिम और प्रो ही बन रहे हैं 17 के बाद। तो अगर आप आज एक PS4 लेते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड हैंड होगा, सेकंड ऑफ ऑल 2017 से पहले का होगा, तो ऑलरेडी 3 साल पुराना तो गारंटेड होना ही है। अगर गलती से आपने 2015 या 14 के आसपास का PS4 ले लिया, तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। तो आप PS4 को तो बिल्कुल बैकआउट कर दो एंड PS4 स्लिम पे फोकस करो लेने का। प्रो इसलिए नहीं क्योंकि PS5 आ चुका है एंड 2 साल बाद वैसे भी PS4 पर नई गेम्स नहीं आएंगी, तो प्रो पे पैसे वेस्ट करके क्या फ़ायदा। आपके लिए जो स्वीट मिडिल ग्राउंड है वो है एक PS4 स्लिम, जो कि यूज्ड हो, जो कि आपने एक नॉन बंदे से खरीदा हो जिससे आप एज अ फ्रेंड बात कर सको और वो आपको ठग ना दे, तो आप उससे एक 15,000 से 18,000 के बीच में PS4 स्लिम ले सकते हो एंड उस पर अगले 2 साल के लिए गेम्स खेल सकते हो, देन उसको सेल करके आप PS5 की तरफ देख सकते हो। सो गाइस, दिस वाज वेरी मच द वीडियो, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड देन व्हाई नॉट लाइक दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन सब्सक्राइब एंड लीव अ कमेंट or whatever opinion you have about the topic of this video. I'll see you next time. Till then, too sweet.